तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है मीन इफेक्टिव प्रेशर से रिलेटेड। मतलब सच्चाई बताऊं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी नहीं निकालना, सिर्फ स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है। ये पूछा गया था गेट 2011 में, वॉर्थ 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स इज वे टू मच फॉर दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन, एक सिंगल सिलेंडर इंटरनल कंबशन इंजन है हमारे पास, जिसका क्रैंक रेडियस, क्रैंक जिसकी क्रैंक का रेडियस क्या है, 60 mm, क्लियर है, और सिलेंडर का यानी पिस्टन का जो डायमीटर है दैट इज 80 mm। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम पूछा गया है इन द यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारा mm के अंदर है, हमें यहां पर सेंटीमीटर में जवाब देना है, सो इट्स बेटर कि हम सेंटीमीटर में ही काम करें। तो सिलेंडर का डाया है 8 cm और क्रैंक का रेडियस है 6 cm, दैट्स ऑल। तो बेसिकली क्या चीज है, हमें स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है। फंडा इतना ज्यादा सिंपल है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि क्रैंक क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज अवर अरेंजमेंट। ये जैसे सिलेंडर आ गया, यहां पर ये पिस्टन है, अब ये जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड से, दिस इज अवर कनेक्टिंग रॉड, और ये है क्रैंक, ये जो चीज है दैट्स क्रैंक। इसका क्रैंक का रेडियस हमें दिया गया है 6 cm, और सिलेंडर का डायमीटर हमें दिया गया है 8 cm, समझ आया? ठीक है, तो ये ऊपर सिलेंडर दिखा रखा है, ये पिस्टन आ गया, ये कनेक्टिंग रॉड आ गई, ये आ गई क्रैंक। ठीक है, और उसका रेडियस है 6 cm। अब इसका रेडियस, क्रैंक रेडियस, रेडियस वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये गोल गोल इस तरह से घूमती है गोल। ठीक है, तो पिस्टन सबसे ऊपर कब होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पिस्टन सबसे ऊपर कब होगा, जब ये क्रैंक जो है ये वर्टिकली ऊपर की तरफ होगी, इसके ऊपर ये कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारा पिस्टन आ गया है सबसे ऊपर, दिस इज अवर सिलेंडर। ठीक है, और ये हमारा मतलब सेंटर है, और पिस्टन सबसे नीचे कब होगा, सबसे नीचे पिस्टन सबसे नीचे कब होगा, ठीक है, जब ये इस शेप कुछ इस तरह से होगा, लाइक दैट, ये इस तरह से, ये मतलब मैंने अलग अलग दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है, दैट्स माय क्रैंक, ये हमारी क्रैंक है, ये इसका नाम दे देते हैं, इट इज ओ ए बी। ठीक है, यहां पर है ओ ए एंड दिस इज बी, यहां पर है ओ, यहां पर है ए और यहां पर है बी। अब ये ओ ए क्रैंक और ए बी कनेक्टिंग रॉड, ये दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक है। ठीक है, जान के मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा है ताकि आपको नजर आए, ये दोनों क्या है, एक के ऊपर एक है, ये चीज आपको समझ आ रही। तो अब कॉमन सेंस से जब ये सबसे ऊपर है, ये दिस इज रेडियस आर, सपोज कीजिए इसकी लेंथ हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की यहां से दूरी कितनी है, एक्स प्लस आर, ये चीज। ठीक है, और जब ये पिस्टन सबसे नीचे है तो ओरिजिन से सेंटर से ये दूरी कितनी है, दिस इज कंप्लीट एक्स है, ये पूरा एक्स है, ये आर है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या होगी, एक्स माइनस आर, समझ आ रहे, ये डिस्टेंस है एक्स माइनस आर सबसे नीचे, ये डिस्टेंस है एक्स प्लस आर सबसे ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, ये मतलब पिस्टन कितना ऊपर कितना नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एक्स प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, ठीक है, दोबारा लिखता हूं, एक्स प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, तो एक्स से एक्स कट गया, आर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया, 2r। तो क्वेश्चन दो नंबर, ठीक है, ये 2 मार्क्स, पता है किस चीज के हैं, क्या आपको ये चीज मालूम है या नहीं, कि स्ट्रोक लेंथ l, किसी भी इंजन की स्ट्रोक लेंथ l, ये बराबर होती है ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस के। ये क्रैंक अभी r ऊपर है फिर r नीचे है, तो पिस्टन ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ट्वाइस ऑफ r, ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। ये चीज आपको समझ, बस इतनी चीज के 2 नंबर है, समझ आ गए। तो स्ट्रोक लेंथ, पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रोक लेंथ l, याद रखना है आपने, इट इज ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस, और इसकी वैल्यू हमारे केस में क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे केस में आ रही है 6 cm, तो क्रैंक रेडियस है 6 cm, 2 × 6 = 12 cm, यह आ गई हमारी स्ट्रोक लेंथ। डायमीटर हमें दे रखा है, स्ट्रोक लेंथ हमें दे रखी है, स्वेप वॉल्यूम क्या है, π/4 d² l। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, π/4 d² l,
तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पिस्टन का सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक लेंथ, वो डिस्टेंस जो पिस्टन ट्रेवल करता है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय 4, डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, स्ट्रोक लेंथ हमने निकाली है 12, सो इज इक्वल टू, सो इट इज पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12, सो इट गिव्स अस 603.1857 सेंटीमीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल न्यूमेरिकल।